मैं उदय फौजी, फिजिकल ट्रेनर ग्वालियर से। आज का जो ये मेरा वीडियो स्पेशल है कि आपके जितने पांव मजबूत होंगे उतनी ही रनिंग आपकी अच्छी होगी। देख, ध्यान रखना दोस्तों, आपको अपने पांव मजबूत करने ही पड़ेंगे, और पांव को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप अच्छी रनिंग लगाएं, अच्छी डाइट लें, और साथ में क्या करना है आपको, कुछ एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज होती है। मैं आपको ज़्यादा नहीं, मैं आपको सिर्फ 4 एक्सरसाइज बताऊंगा। आप ये 4 एक्सरसाइज अगर कंटिन्यू करते हो तो आपके पाँव में वो जान आएगी जिससे आपको किसी को, बंदे को रनिंग के दौरान, कंपटीशन के दौरान आप किसी को काट सकते हैं। आपको वो तब होगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है आपको, ये नहीं कि आज आपने एक दिन प्रैक्टिस कर ली आपके पाँव में जान आएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको कंटिन्यू, जब भी आपका वर्कआउट ख़त्म होता है, आपको लगता है कि आज मेरे पाँव की एक्सरसाइज करनी है आपको, तो आपको क्या कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी है, और बहुत सिंपल एक्सरसाइज जो आप रोज करते हो। लेकिन ध्यान रखो कि मुझे पाँव को मजबूत करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। इसके बाद आपको बताऊँगा करना क्या, सिंपल से 4 एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज में करना क्या है आपको, क्या अपने हाथों को, हाथों हथेली आगे करो, इस प्रकार से हाथों हथेली करनी है, और इसको कंटिन्यू क्या करना, टच करना है इसको। और जितनी आप पहले स्टार्ट करो आप 25 बार आपको टच करना है, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाओ, 25 से 30 करो, 30 से 35 करनी है आपको, या जितनी आप बढ़ा सको। तो आप देखो 25 करोगे तो आपकी थाई पूरी ब्लॉक हो जाएगी, आपकी आपको दर्द महसूस होगा आपको, है आप ऐसा करो। हाँ, यहीं से स्लो स्टार्ट करो, ये स्टार्ट करो, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, हाँ, और फास्ट और फास्ट और फास्ट, हाँ, यहीं से स्टार्ट। शुरुआत आपको इस प्रकार से करनी है आपको, पहले स्लो, फिर थोड़ा और फास्ट, फिर रनिंग करनी स्टार्ट। हाँ, इस प्रकार से पूरा हाथ पूरा ध्यान देना, पूरा जब चलाए इस प्रकार से पूरा। हाँ, स्टॉप, यहीं से मैं बताऊंगा नंबर 2 एक्सरसाइज। यहाँ से आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको करना है, अपनी गर्दन के पीछे क्या है, आपको हाथ लेके जाना है आप लोगों को, और क्या करना है, अपने पाँव को इस प्रकार से क्या करना है आपको रखना है, और ये जानी चाहिए, ये ऐसे करना, ठीक है, इसी को आपको प्रैक्टिस करनी है आपको। हाँ, कोई बनाओ, हाँ हाँ, यहीं से राइट पाँव ऊपर करो, हाँ स्टार्ट, 1 2 3 4 5 अप, हाँ लेग चेंज, हाँ लेग चेंज करो, लेफ्ट आर्म को ऊपर लो, हाँ 1 2 3 4 5 स्टॉप। करना क्या है आपको एक्सरसाइज दौरान, स्टॉप इस एक्सरसाइज को क्या करना है आपको, कंटिन्यू वही सेम एक लेग से कम आपको 25 बार करना है आपको, 25 बार। जब आप एक लेग को 25 बार, दूसरे लेग से 25 बार इस एक्सरसाइज को क्या करना है आपको, कंटिन्यू बढ़ाना है इसको, कम नहीं करना है इसको। आप कंटिन्यू बढ़ाओगे तो आप देखोगे कि आपके फॉर्म में कितनी पावर आ रही है। यही से मैं बताऊंगा आपको नंबर 3 एक्सरसाइज। नंबर 3 एक्सरसाइज में करना क्या है आपको, पूरा आपको क्या है, अपने कद के अनुसार, जो आपकी बॉडी की हाइट है, हाइट के अनुसार क्या है आपको पाँव को खोलना है, और धीरे से सिंपल सा क्या करना है, जो आप वो देखते हो देसी एक्सरसाइज अखाड़े में आपने देखा पहलवान लोग करते हैं, ये वही है। इस प्रकार से क्या करना है आपको एक्सरसाइज करनी है। हाँ, तैयार हो, पाँव खोल खोलें, हाँ तैयार, हाथ आई करो, हाँ डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, हाँ स्टॉप। इस एक्सरसाइज कंटिन्यू आपको जितना हो सके आप ज़्यादा ज़्यादा करें इसको, जितनी आपकी आपकी पाँव में ताकत है, आपको अपनी ताकत को बढ़ानी है, आपको अपने पाँव की पावर को बढ़ाना है, तो आप जितना हो सके इस एक्सरसाइज खूब ज़्यादा करें, जिससे आपकी थाई मजबूत होती है, पाँव की मजबूत होती है, साथ में घुटनों का दर्द भी खत्म होता है इस एक्सरसाइज से। यहीं से मैं बताऊंगा आपको 4 नंबर एक्सरसाइज करना है। 4 नंबर एक्सरसाइज में आपको करना है क्या है, सिंपल सा, जो आप रनिंग करते हो जिस प्रकार से आप अपने पाँव को आगे की तरफ फेंकते हो, अपनी बॉडी बैलेंस का करना है, एक पाँव पे खड़ा होना है और धीरे धीरे कंटिन्यू आपको पाँव जितना हो सके ऊपर उठाना है आपको, और सीधे सामने फेंकना है आपको, ये इस प्रकार से पूरा आपको फेंकना है इस प्रकार से। इसी को क्या करेंगे हम डेमो के माध्यम से देखेंगे हम। हाँ, तैयार हो,
हाँ राइट पाँव ऊपर करो, हाँ स्टार्ट, इस प्रकार से पूरे पाँव को आगे जाने दो, जितना हो सके ऊपर लेके आए बिल्कुल, जिससे क्या होगा एक तो बॉडी बैलेंस सबसे बड़ा है कि इस एक्सरसाइज से क्या होता है बॉडी बैलेंस भी बनता है, दूसरा क्या होता है हाँ लेग चेंज, हाँ स्टार्ट, इस प्रकार से ध्यान रखें कि दोनों ही लेग से रोइंग द्वारा क्या है आप इस एक्सरसाइज करें, इससे क्या होगा कि आपके क्या पाँव भी मजबूती आएगी आप में और साथ में क्या होगा आपकी बॉडी बैलेंस की भी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी, हाँ स्टॉप। अगर आप इन चार एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और कंट्रोल करते रहते हैं तो आपके पाँव में क्या है बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी और आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी, जो क्योंकि 1600 मीटर की जो रनिंग है उसमें बहुत ज़रूरी है कि आपके पाँव में मजबूती रहे, पाँव के अंदर पावर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक पक्का करें। जय हिंद दोस्तों।